स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कल मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने यहाँ पे ये तो ऐलान कर दिया कि 31 जनवरी तक जो आपके स्कूल है, कॉलेज है, वो सब बंद रहेंगे। और साथ ही में दोस्तों अनाउंसमेंट ये भी किया था कि 20 जनवरी से आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा थी वो अब क्या होगी दोस्तों, ओपन बुक माध्यम से होगी। मतलब कि आपको पेपर और आंसर शीट आपको मिल जाएगी और आपको घर पे बैठकर ही परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद दोस्तों आंसर कॉपी आप स्कूल में जमा करोगे। तो दोस्तों इसी बात में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जो प्री बोर्ड के पेपर है वो कहाँ से मिलेंगे आपको, पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सारे के सारे जो मेन एग्जाम और प्री बोर्ड के पेपर के सॉल्यूशन आपको यहीं इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने प्रोवाइड करा दिया है, फटाफट जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर दोस्तों एक अपडेट आई है, पहले उस अपडेट पर यहाँ पे देख लेते हैं क्या अपडेट है। घर में बैठकर प्री बोर्ड परीक्षा दे के 10वीं या 12वीं के छात्र स्कूल से मिलेगी उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े से प्रारंभ करने का आदेश जारी किया था। हालांकि अब दोनों कक्षाओं के छात्र घर में बैठकर प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। इसके लिए छात्र को स्कूल जाकर उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र लेना पड़ेगा और परीक्षा देने के बाद जमा करना भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन ने स्कूली कक्षाओं के संचालन पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों की पढ़ाई ना छूटे इसलिए ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं पहले से ही बंद चल रही है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर क्लासेस, टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको जो पेपर है दोस्तों कहीं से भी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा सारे के सारे पेपर, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको वहीं मिल जाएगा, डोंट वरी। और दोस्तों मैं दूसरी बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि आप सभी अपने स्कूल में जाइएगा, 19 तारीख को आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनली आप जो पेपर्स आपको मिलते हैं, कुछ पेपर जो मिलते हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं टाइमली उसका सॉल्यूशन बना सकूं। और जैसे ही मैं सॉल्यूशन उसका बना दूंगा दोस्तों, उसी दौरान आप उसको आंसर शीट में अच्छे तरीके से लिख लें, क्योंकि इनकेस अगर कोविड ज़्यादा बढ़ता है तो प्री बोर्ड हाफ ईयरली त्रैमासिक परीक्षा के नंबर जुड़कर ही आपके बोर्ड परीक्षा के नंबर बनेंगे। तो जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसको हल्के में मत लेना, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, किसी प्रकार से दीजिएगा, आंसर शीट को खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि यही आंसर्स आपका भविष्य निर्धारण करेंगे अगर बोर्ड परीक्षा नहीं हुई तो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।